प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट जसपुर पहुंचे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने उनके सामने क्षेत्र की कई समस्याओं को रखा है। वहीं शिव सिंह बिष्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2014 के बाद से सरकार लगातार सड़कों का जाल बिछाने का काम कर रही है। उनके सौंदर्यीकरण करने का काम भी हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में जसपुर से लेकर पूरे उत्तराखंड की सड़कें एकदम चमचमाती हुई नजर आएंगी। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारी सरकार द्वारा लगातार, अगर आप देखेंगे, आप पिछले 2014 के बाद देखेंगे, लगातार इस उत्तराखंड में सड़कों का जिस तरह से जाल बिछाने का काम हमारी सरकार ने करा और उन सड़कों का सुधारीकरण का काम हमारी सरकार ने करा और उन्हीं कामों को बढ़ाने का काम 17 के बाद भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार है। और उसके बाद हमारे बहुत ही यशस्वी, बहुत ही ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार जिस तरह से काम करा जा रहा है। और निश्चित रूप से आप मानिए कि अगले जो ये दशक, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा उत्तराखंड का दशक है, इस उत्तराखंड के दशक में निश्चित रूप से सड़कों का चमचमाती सड़कें आपको बहुत जल्दी नजर आएंगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार प्रयास है, उनने गंडा मुक्त सड़क बनाने का जो आह्वान लगातार कर रहे हैं, उसकी निगरानी भी लगातार वो कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि जो जसपुर सहित पूरे उत्तराखंड में सड़कें चमचमाती नजर आएंगी। लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके द्वारा उत्तराखंड में उद्योगों के माध्यम से जो हमारे युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहा है, इन्वेस्टेशन में आयोजन करके कहीं ना कहीं इस उत्तराखंड में पुनः उद्योगों को स्थापित करने के लिए बाकी इन्वेस्टमेंट को यहाँ लाने का जो प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है, निश्चित रूप से क्योंकि हम सरकार के अंग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के काम